Brought to you by Techno Spark 20 Series Smartphones. I'm superhuman. हंसता है कोई, बोलता नहीं। हमारा क्या 70 साल उम्र हो गया, सब मार देगा, कोई बात नहीं है। कोई प्रशासन तो उसका हाथ पे नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हो उसका लिए अभी टाइम आ रहा है। अच्छा। तृणमूल इधर जो काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं दीदी। अच्छा। इसीलिए हम लोग जो वोट देंगे तृणमूल की देंगे, तो वोट का वोट फाइट होगा। अच्छा। अभी वोट का तृणमूल फाइट होगा। अच्छा। अभी कौन निकल जाएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है। नमस्ते, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा घाट किनारे। ये जगह है लोकसभा सीट बरहमपुर। यहाँ अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से और दूसरी तरफ है टीएमसी से यूसुफ पठान। इस इलाके के कुछ हमें सीनियर सिटीजन्स मिले हैं गंगा घाट के किनारे। आप देखिए ठीक मेरे पीछे ये पूरा गंगा का घाट है और यहाँ से लोग आवाजाही करते हैं और यहाँ जो लोग हैं बैठे हुए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइएगा सर। दिलीप कुमार मंडल। अच्छा दिलीप जी, कब से आप यहाँ रहते हैं? बाय बर्थ। 70 बहुत लंबा वक्त हो गया। क्या माहौल लग रहा है आपको अपने इलाके में? पकड़िए इसको। देखिए इधर का तो स्टैंडिंग एमपी जो है वो तो मिस्टर आदिर कुमार चौधरी है। इस बार जो बीजेपी के जो कैंडिडेट दिया है, डॉक्टर दिया। अच्छा। निरमल साहा। डॉक्टर का नाम निर्मल साहा जी। उन्हें पहले बार उसको वो ये किया, और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर है और उनको भी दिया। और आपने तो बोला यूसुफ पठान जी है। हाँ। तो इस बार जो वोट का माहौल लग रहा है, ये तीनों में ही फाइट होगा। अच्छा। और ऐसा तीनों में यदि फाइट होगा तो थोड़ा मुश्किल लगता है। हमारा हिसाब से हम लोग जो इधर बात करते हैं सबका हिसाब से लगता है और इधर को कुछ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम हो सकता है और क्योंकि निर्मल शाह है बीजेपी का, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और भी लोग हैं, मैं सबसे एक एक करके बात भी करूँगा। मैं आपका नाम क्या होगा? अनिल कुमार शाह। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, यहाँ हम देखते हैं आपके इलाके में इतना बहुत डर वर का भी बहुत माहौल रहता है। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? अधीर दा का नैया पार होगा, दिल्ली में जाते हैं, नाम करते हैं, इस तरह का भी चर्चा होता है कि भाई आपके इलाके का नेता जो है वो दिल्ली का बड़ा नेता है, या फिर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं? हम लोग जो दूसरा सोच रहे हैं, क्योंकि तृणमूल इधर जो काम करते हैं ना। अच्छा। अच्छा काम करते हैं दीदी। अच्छा। इसीलिए हम लोग जो वोट देंगे तृणमूल की देंगे। अच्छा अच्छा। आप और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सोनोज सेन। अच्छा सेन साहब, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको अपने इलाके में? किसकी तरफ चुनाव जाता हुआ दिख रहा है वोट में? हाँ वोट में हमारा तो लगता है तृणमूल में आएगा। अच्छा। हाँ तृणमूल आएगा। तो इस तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कहना यह है कि थोड़ा जो माहौल है वो अधीर दा के लिए भी मुश्किल है। कोई कह रहा है कि टीएमसी काम कर रही है तो टीएमसी को भी मौका देना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण घोष। अच्छा लक्ष्मी नारायण घोष साहब, ये बताइए क्या लग रहा है आपके इलाके में? गंगा किनारे बैठे हुए हैं, सच बताइएगा, बहुत लंबे वक्त से आप इस इलाके में रहते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और अभी जो इलेक्शन है, हाँ। इलेक्शन के लिए बोलता है अधीर रंजन चौधरी। अभी तक तो एमपी था, लेकिन अभी जो पठान आया है, हाँ। यूसुफ पठान, हाँ। और आपका निर्मल साहा डॉक्टर। अच्छा। इसको बीजेपी में डाल रहा है, तो अभी तो वोट का वोट फाइट होगा। अच्छा। अभी वोट का तीनों में फाइट होगा। अच्छा। अभी कौन निकल जाएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है ये वोट तीनों पक्षों का मिल जाएगा। खूब बढ़िया चर्चा है इलाके में, माहौल। हाँ बढ़िया चर्चा है। लास्ट टाइम जो अधीर जीता था ना, ओनली बहरमपुर का वोट में 80,000 उसको मिला। अच्छा। और आधार जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है असेंबली, सब जगह में उसका कम था वोट। अच्छा। तो इस बार जो वो खतरा का भी अभी निर्मल शाह जो बीजेपी का दिया, तो और तृणमूल का तो है ही। तृणमूल तो स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो मुस्लिम कैंडिडेट है वो, और ये जो एरिया है ना मुस्लिम बेल्ट ही है। अच्छा। 72% नियरली मुस्लिम से है मुर्शिदाबाद में। तो मुर्शिदाबाद में तो ये यदि होता है वो यदि उस 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका अच्छा नहीं रिजल्ट करना नहीं चाहिए, लगता नहीं ये नहीं होगा अधीरदा का। तो इस बार अच्छा बतौर सांसद अधीरदा ने कितना काम किया है दिखाई देता है उनका काम आप लोगों को? क्या देखिए उन्होंने काम तो इधर टीएमसी का है, वो तो अधीर को कांग्रेस का था तो नेचुरली उसका तो काम तो करता ही है वो तो, लेकिन पहले जो टाइम में था उसका जैसा नहीं है। अभी म्यूनिसिपल भी उसका हाथ में नहीं है, कोई प्रशासन तो उसका हाथ में नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हो उसका लिए अभी टाइम आ रहा है। अच्छा। टफ टाइम आ रहा है देखिए। और इलाके के बुजुर्ग जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। आप बात करेंगे। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है, पूरा नाम है सत्यांनंद कुमार दास, एक सर्विसमैन। अच्छा, तो आप क्या लग रहा है आपके इलाके में चुनाव है, किसके तरफ माहौल जाता दिख रहा है, आपके मन में क्या है चुनाव? देखिए मैं एकदम साफ सुथरा बोल लेता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, कुछ नहीं। जो काम बहरमपुर में किया है अधीर चौधरी किया है। अच्छा, आपने ये सब रास्ता देख रहे, इधर का जो ये था ना, आपने इसका पहले कभी आया? हाँ। इसमें रेलिंग था, 2021 में हम आए थे, रेलिंग मिला था आपको? हाँ। गायब हो गया, कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ। ये जो गंगा का किनारे आप देख रहे हो। हाँ। अभी आदमी आप इधर से घूम सकता है, आदमी नहीं घूम सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यवसाय का खेत बना दिया, सब जगह पर वो आपको क्या बोलता है, गैरेज बना दिया पैसा का धंधा के लिए। साफ सफाई जो है औरत को खड़ा होना पड़ता है, स्वीपर आएगा, हुइसल भरेगा, ऊपर से जाकर कचरा बॉक्स में डालेगा। अच्छा। कितना प्रॉब्लम है। मेरा मिसेज का 62 ईयर्स उम्र है, इतना छोटा सा पैसेज है, उतना ऊपर से आते आते तो सड़क कभी गिर भी जा सकता है, कोई सोचता नहीं इसका बारे में। सब वोट का वोट आने से ही सब दादागिरी स्टार्ट। 5 साल सब गायब रहते हैं, ठीक है ना? कोई भी जाकर पूछेगा नहीं भाई आपका तकलीफ है, आपका साफ सफाई में कोई प्रॉब्लम है। साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई अच्छा है, लेकिन आदमी का भी तो जरूरत देखना चाहिए ना, जो भाई बुजुर्ग आदमी कैसे वापस डालेंगे। ये काल आने से इसको देखना था कितना कचरा भरा हुआ था। अच्छा। पता नहीं आप लोग को कैसे पता चल गया, जो आज आएगा मीडिया सब सफाई हो गया। ठीक है। अच्छा। क्यों दिलीप दा, ठीक है कि नहीं? साफ सुथरा बोलना चाहिए। वोट इलेक्शन सुस्त पीसफुली होगा तो इधर अधीर चौधरी 10 वोट में भी जीतेगा। अच्छा। आप मेरा नाम लिख दीजिए, मेरा शकल देख लीजिए, ठीक है? हाँ। ये गुजरात वगैरह से लेकर आने से उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अधीर चौधरी को जॉब मिलेगा तब आएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो क्या फ़ोन करने पे आ जाते हैं इलाके में? 100% आता है। अच्छा, 100% आएगा। आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इधर प्रेजेंट होगा, तो आपका कोई प्रॉब्लम में जरूर आएगा वो। अच्छा, हर जगह पर देखिए, इधर आगे औरत लोग कितना पीसफुली आए, औरत लोग को पूछ लेना था। कोई लोग की भंडार ये वगैरह देने से औरत, ठीक है, औरत का कुछ वोट मिलेगा, लेकिन आदमी का, जो आदमी लोग, हम लोग एक सर्विसमैन है, जो हम लोग को जहाँ पर सुविधा मिलेगा उधर। कोई भी जगह पर आपको जाइए, पार्टी का बिना कोई काम होगा नहीं। अच्छा, पार्टी होगा तब जाकर काम होगा। अच्छा, नहीं हमारा प्रॉब्लम होगा, आपका पास जाएगा बस देखता हूँ बोलकर छोड़ देगा। अच्छा, ये पार्टी वाला आप जो मामला बता रहे थे, जरा हम आपसे विस्तार से बात कर लेते हैं, बहुत दिलचस्प आप बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए क्या पार्टी सिस्टम जो बता रहे थे कैसे काम होता है? देखिए पार्टी का जो है एक काम कीजिए, देखिए इधर का हर आदमी का पार्टी का अपना अपना बच्चा लोग है, काम करता है, सही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन बुजुर्ग आदमी के लिए ये जो पार्क है उधर देखिए, वो पार्क था, सीनियर सिटीजन पार्क था वो, ठीक है ना? सीनियर सिटीजन पार्क था वो, अभी देखिए उधर कॉफी हाउस का बना दिया। अच्छा, आपका आंखों का सामने देखिए, हम लोग इधर से बुजुर्ग आदमी इधर से उधर तक जाएगा, कैसे जाएगा बताइए? अच्छा, इधर से इस पार से उस पार जाएगा, हाँ। कैसे जाएगा? हाँ। इतना हो गया। हाँ। तो उसका बाद ये जो रेलिंग है इसको उठा दिया, पहले बोलता है तो रास्ता बनाएगा, क्या बनाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। गंगा का किनारे में देखिए सब कैसे कैसे हाँ सब सामान हो रहा है। इधर आने के बाद जो है कोई भी आदमी कोई भी पार्टी का हो हाँ। कोई भी आदमी आकर ये नहीं बोलेगा भैया ये आप लोग बैठे हो आप लोग को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है। अच्छा काल इतना दूध साफ सफाई आज भी हुआ सुबह। अच्छा उसका बाद जहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठता है कोई भी आदमी बैठता है गंगा का किनारे में थोड़ा फ्रेश हवा में बैठता है कि नहीं हाँ, कहाँ फ्रेश हवा बताइए। दिल खोलकर बोल नहीं सकते आदमी किसी का ये तो करने दबाव यहाँ दिखता है कि लोग बोलने से बहुत बचते हैं बचता है कोई बोलता नहीं। हमारा क्या 70 साल उम्र हो गया सब मार देगा कोई बात नहीं है ठीक है ना। सच बोलना चाहिए सभी काम करता है कोई आदमी नहीं है जो काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी इधर बाहर का आदमी को छोड़कर इधर का एक आदमी को देने से तो ठीक था। अच्छा ठीक है ना सही था कि ना आप बताइए ठीक है। यह मतलब आप अपनी बात रख रहे हैं और आप अपनी बात देखिए बहुत साफ मन से इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे इनको लगता है कि यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को अच्छा मौका है उन्होंने बहुत काम किया है। सर एक सवाल और ले लेता हूँ आप लोगों से मैं क्या आप लोगों के बीच में इस तरह की बातचीत होती है कि टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो बाहरी है उतना बड़ा व्यक्ति है क्रिकेटर है तो उससे अप्रोच कर पाना कोई ज़रूरत पड़ेगा तो कैसे हो पाएगा। एक्चुअली देखिए MP कौन बना आदमी कौन बना डजंट मैटर मैटर पार्टी। अच्छा कौन पार्टी का वो है रिप्रेजेंट करता है तो जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी करते हैं काम करे यार जो भी हो वही करेगा आदमी जो भी हो। और वो जो बोला इसमें पॉपुलेशन है मुस्लिम मेनली वह एकदम मैटर करेगा एकदम मैटर करेगा ठीक है। और इसमें है हिंदू है केवल बहरमपुर में अधीरदा को जो अभी फाइट देगा वो है डॉक्टर। अच्छा तो वो बीजेपी ने भी हिंदू उम्मीदवार उतार दिया है कांग्रेस का भी उम्मीदवार हिंदू है टीएमसी के पास मुस्लिम तो उम्मीदवार है तो स्टैंडिंग MP है वो तो उससे जो है वो अधीरदा का समीकरण थोड़ा बिगड़ता हुआ आप लोगों को लग रहा है टाउन का। अच्छा टाउन का स्थिति टाइम का जो वोट देखा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बहरमपुर का उसमें तो के अलावा दूसरे इलाकों में MLA सब जगह में उनको पीछे लगता है एकमात्र टाउन में 90% वोट मिल गया था। अच्छा तो 80,000 वोट में जीत गया था वो उन्होंने और अदरवाइज वो 1,70,000 1 लाख लास्ट सब जो जितना भी इलेक्शन हुआ है इतना वोट में जीता क्योंकि इस बार टाउन में इस बार जो उम्मीदवार दिया देखा जाए तो अभी पीसफुल वोट होगा ये। अच्छा लेकिन जो होगा जो भी अनटुवर्ड इंसिडेंट होगा सब ग्राम माने विलेज में ही होगा शहर आपका पीसफुल क्योंकि उस विलेज में TMC का बहुत स्ट्रॉन्ग साउथ है होल्ड है। अच्छा इसीलिए उधर गांव के इलाके में इसलिए झगड़ा उगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा वो लोग तो एक ही वो जानते हैं तो कुछ इस तरह का जो रुझान है बरहमपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी एक तरफ हैं वहीं दूसरी तरफ हैं यूसुफ पठान TMC से और बीजेपी ने भी एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार डॉक्टर को उतारा है इस सीट से। लेकिन जो लोगों का रुझान है जो बुज़ुर्ग हैं इलाके के कुछ लोग अधीरदा के बिल्कुल साफ तौर पर समर्थन में हैं और कुछ जो बुज़ुर्ग हैं वो ये समीकरण बता रहे हैं कि किस तरह से अधीरदा के लिए मुश्किल खड़े हो गए हैं यहाँ पर चूँकि यूसुफ पठान यहाँ चुनावी समीकरण में आए हैं तो एक नया और बड़ा एंगल वो बता रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे बरहमपुर लोकसभा।